कि आपका बोर्डिंग तो अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ और हमारी फ्लाइट मिस हो गई। सवालात जो उन्होंने मुझसे किए सब अब आप लोगों ने उनको इस तरीके से आंसर करना है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो टुडेज वीडियो इज अबाउट इमिग्रेशन क्वेश्चन जो आप लोगों से एयरपोर्ट पे किए जाते हैं जब आप लोग यहाँ पे लैंड करते हैं तो। और ये तमाम सवाल इसलिए किए जाते हैं ताकि वो लोग चेक कर सकें कि आप जेन्युइन स्टूडेंट ही हैं। यूके इमिग्रेशन क्वेश्चन का लिटरली एक फियर जो है ना सबके माइंड में होता है, मेरे माइंड में भी था, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टोरी सुनने के बाद, इधर उधर से डिफरेंट वीडियोस देखने के बाद, बस आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली हर क्वेश्चन का आंसर करना है। और इस केस में सबसे ज्यादा बात जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उनकी बात को इजीली समझ सकें और उसका अकॉर्डिंगली जो है वो राइट आंसर कर सकें। तो आज की वीडियो जो है वो बेस कर रही है मेरे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, मेरे तमाम दोस्तों के एक्सपीरियंस के ऊपर, जो सिंगल स्टूडेंट्स आए या जो फैमिली के साथ आए, तमाम लोगों के एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो जो है वो बना रही हूँ। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर लैंड करेंगे और आप इमिग्रेशन वाले एरिया में आएंगे तो यहाँ पर आपको टू डिफरेंट लाइन्स मिलेंगी। एक साइड जो होगी वो यूके नेशनल्स के लिए होगी जो कि बस अपना पासपोर्ट स्कैन करके निकलते जा रहे होंगे। तो आप लोगों ने उस लाइन में नहीं जाना, आप लोगों ने उस लाइन में जाना है जहाँ पे एक बहुत लंबी भीड़ है, यानी बहुत लंबी लाइन है। तो समझ आइए कि वो आपकी लाइन है। अब आ जाते हैं मेरी स्टोरी की तरफ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुझसे क्या क्या सवालात किए गए। तो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है वो बताना स्टार्ट करूंगी। तो हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हम PIA के ऊपर आए थे और PIA से हमने टर्की में लैंड करना था और टर्की में हमारा 2 आवर्स का स्टे था और उसके बाद टर्किश के थ्रू हम लोगों ने लंदन आना था। तो अब जो टर्की में हमारा स्टे था वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे हमारे साथ एक जो है वो इंसिडेंट हो गया। जब हम लोग पाकिस्तान से निकल रहे थे तो हमारे फ्रेंड्स ने हमें पहले ही बता दिया था कि PIA के आजकल मसले हो रहे हैं और आप लोगों ने क्या करना है कि पाकिस्तान से ही अपना टर्किश वाला बोर्डिंग जो है वो ले के आना है। लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पर बात की उन लोगों से तो उन्होंने कहा कि नहीं, टर्किश का जो बोर्डिंग है वो आप लोगों को यहाँ से नहीं मिलेगा, वो आपको टर्की में जाके ही मिलेगा। अब हम लोग यहाँ से फ्लाई करके जब हम टर्की पहुँचे, जब हम वहाँ जाके बोर्डिंग एरिया में पहुँचे तो हमें उन्होंने कहा कि आपका बोर्डिंग तो अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है और 2 घंटे के अंदर ही हमने मैनेज करना है, नहीं तो हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। अब हमने हर कोशिश कर ली, हम लोगों ने जो वहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग थे उनको डील करने के लिए जो टीम बैठी हुई थी उनके पास हम गए, उनसे हमने बात की कि हमारे मसले को हल किया जाए। उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद इन टाइम हमारा बोर्डिंग नहीं रिसीव हो सका और हमारी फ़्लाइट मिस हो गई। और उस वक्त हमारा स्ट्रेस लेवल जो था ना, आपको बता नहीं सकते क्या हुआ कि फिर हमने बहुत ज़्यादा दुआएं की और अल्लाह का करना ये हुआ कि हम लोगों का बोर्डिंग रिसीव हो गया। और अब शुक्र है उन लोगों ने हमें कहा कि नेक्स्ट फ्लाइट अब आप लोगों को मिल जाएगी, जो भी टर्किश की नेक्स्ट फ्लाइट है वो आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन अब ये हुआ कि पहले हम लोगों ने हीथ्रो उतरना था और अब हम लोग कहाँ उतर रहे थे, अब नेक्स्ट फ्लाइट जो हमें मिली वो गैटविक की मिली। और हीथ्रो एयरपोर्ट के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, हीथ्रो जो है वो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। उधर की इमिग्रेशन के बारे में भी ये मशहूर है कि इमिग्रेशन वहाँ की काफ़ी स्ट्रिक्ट है और गैटविक जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा एक क्वाइट एयरपोर्ट है, मतलब इतना ज़्यादा रश नहीं होता वहाँ पर। मेरा जो एक्सपीरियंस था इमिग्रेशन का, मुझसे इमिग्रेशन ने सिर्फ चंद सवालात किए और मुझे छोड़ दिया। सवालात जो उन्होंने मुझसे किए, सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा, फिर उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी, उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी यूनिवर्सिटी का नाम पूछा, उन्होंने मेरा कोर्स पूछा, कोर्स नेम, उन्होंने मुझसे मेरा कोर्स ड्यूरेशन पूछा, और उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करती हैं, और बस। और उन्होंने हम तीनों को, यानी मुझे, मेरे हस्बैंड से उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, मुझे, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को, उन्होंने तीनों को उन्होंने स्टैम्प्स लगा के उन्होंने हमें भेज दिया। एंड दैट वॉज माई एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर जो था वो इतना अच्छा, इतना स्वीट और बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ उसने हमसे ये सवालात पूछे, उसने इरहा को प्यार किया और उसके बाद जो है वो उसने हमें जाने के लिए कह दिया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। ये बेसिक सवालात जो मुझसे किए गए ये तो तकरीबन हर किसी से ही किए जाते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, यूनिवर्सिटी और इन तमाम कोर्स, इन तमाम चीज़ों के बाद ये सवाल आपसे किया जाएगा आप किस वीज़ा के ऊपर आए हैं। तो आप लोगों ने
उन्हें बता देना कि आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए हैं या जो भी वीज़ा है आपका, उसके अलावा वो आपसे ये सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको आपको चेक करने के लिए ये करते हैं कि आपने ये वीज़ा कितने का ख़रीदा। अब आप लोगों ने उनको इस तरीके से आंसर करना है, मैंने ये वीज़ा ख़रीदा नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ या आई हूँ और मैंने इनिशियल डिपॉज़िट इतना पे किया है, मेरी फुल फ़ी इतनी थी और मैंने इनिशियल डिपॉज़िट इतना पे किया है। तो आप लोगों ने उनको इस तरीके से आंसर कर देना। कोर्स के बाद वो आप लोगों से आपके मॉड्यूल्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप लोगों ने अपने तमाम मॉड्यूल्स के नाम जो है वो याद करके आने हैं। और ये चीज़ें तो आप लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में भी प्रिपेयर की हुई होती हैं और आपको पता ही होती हैं, बस आप लोगों ने उनको अच्छे से माइंड में रखना है। उसके अलावा वो आपसे ये पूछ लेंगे आप लोगों का फेवरेट मॉड्यूल कौन सा है और क्यों वो आपका फेवरेट मॉड्यूल है, तो आप लोगों को एटलीस्ट एक आध मॉड्यूल के बारे में तो कुछ जो है वो पता होना चाहिए ताकि आपको कुछ आप उनको कुछ ना कुछ बता सके। अब आप लोगों से वो ये सवाल पूछेंगे कि वेयर विल यू गो, अब आप कहाँ जाएंगे या कहाँ पे आप रहने वाले हैं, आप लोगों का अकोमोडेशन जो है वो जहाँ पे आप जाएंगे वो आपसे उसका एड्रेस पूछ सकते हैं, आप लोगों को अपना एड्रेस पता होना चाहिए जहाँ पे आप लोगों ने जाना है। अब आप लोगों से वो ये पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने कैसे जाना है, अगर आप लोगों को कोई पिक करने आ रहा है तो अब भी आप लोग बता दें कि मुझे पिक करने आ रहा है, कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं, फैमिली के बारे में आप ना बताएं, रिकमेंडेड नहीं है अगर स्पेशली अगर आपकी फैमिली कोई नेशनल्स है यहाँ पे तो उनके बारे में बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि ये यहाँ पे पक्के होने तो कहीं नहीं आ रहे, तो ये आप लोग ना बताएं। और अगर आप लोगों को कोई लेने नहीं आ रहा तो फिर आप लोगों को अपना रूट पता होना चाहिए कि आप लोगों ने बस के थ्रू किस तरह जाना है या ट्रेन के थ्रू किस तरह जाना है या अगर आपने टैक्सी लेके जाना है तो फिर किस तरह जाना है, तो ये रूट्स आपको पता होने चाहिए। फिर वो आपसे अकोमोडेशन का पूछेंगे, दे कैन आस्क यू अबाउट योर रेंट, कि आपका रेंट कितना है, तो आप लोगों को रेंट पता होना चाहिए अगर आप इंडिविजुअल जो है अकोमोडेशन में रह रहे हैं, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं तो आप लोगों ने उनको बता देना है। उसके अलावा जो है डिपेंडेंट्स से भी क्वेश्चंस होते हैं, डिपेंडेंट्स के केस में अगर आप लोग कपल हैं विदाउट किड्स तो यू कैन एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चंस, आप लोगों को अपनी वेडिंग डेट पता होनी चाहिए, उसके अलावा यू शुड हैव पिक्चर्स इन योर मोबाइल ऑफ योर वेडिंग इन केस के अगर वो कह ही दें, उसके अलावा दे कैन आस्क फ्रॉम डिपेंडेंट एज वेल के आपके जो मेन एप्लीकेंट है उसकी यूनिवर्सिटी क्या है, उसका कोर्स क्या है। डिपेंडेंट से आई थिंक वो मॉड्यूल्स के बारे में नहीं पूछेंगे, बस इतना एटलीस्ट पता हो कि कोर्स क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है। उसके अलावा एक फियर जो है वो बहुत से लोगों के माइंड में होता है, मेरे माइंड में भी था, अगर आपके अकाउंट में फंड्स अब अवेलेबल नहीं है, लाइक बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपका वीज़ा आने के बाद फंड्स जो है वो निकलवा लेते हैं अकाउंट से, तो अगर आप लोगों के पास फंड्स नहीं है अवेलेबल अकाउंट में तो क्या कोई मसला होता है, क्या आपसे फंड्स के बारे में पूछा जाता है, क्या आपका अकाउंट खुलवा के देखा जाता है, लाइक इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है वो बहुत से लोग बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास बस आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो आप फंड्स निकलवाने से पहले अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो निकलवा लें, तो सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि फंड्स जो है वो आपके यहाँ आने से पहले आपने अपनी मदर या फादर जिसके भी अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर दिए थे, जब भी आपको चाहिए होंगे दे विल सेंड यू एनी टाइम, बस ये बात आप लोगों ने कॉन्फिडेंटली उनको बता देनी है, इसके ऊपर वो आपको फोर्स नहीं कर सकते या इसके ऊपर वो आपको डिपोर्ट नहीं कर सके, क्योंकि दैट इज़ अ वैलिड थिंग। आप लोगों ने टेंशन फ्री होकर जो है वो तमाम क्वेश्चन के आंसर करने हैं। करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।